दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं हूं यहां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 2018 में। और यहां पे मैं हूं इस पर्टिकुलर कंपनी के बूथ पे जिसका नाम है प्लैनेट या फिर जेमिनी आप कह सकते हैं। यहां पे ये जो फोन देख रहे हैं आप 6 इंच के डिस्प्ले के साथ, टच स्क्रीन के साथ, साथ साथ वाइट क्लैम शेल के साथ, और इसमें जो कीबोर्ड है वो बेसिकली एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये एक 4G डिवाइस है, यानी कि इसमें 4G कनेक्टिविटी आपको मिलती है, GPS ब्लूटूथ वगैरह मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड और लिनक्स दोनों मिल जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा फोन है जो कि ना सिर्फ आपका फोन का काम करेगा, ये एक कंप्यूटर का भी काम कर सकता है। तो कुछ इस तरह से ये खुल जाता है। यहाँ पे डेफिनेटली एक रेगुलर फोन से बड़ा ये फोन है, लेकिन यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो बड़ा कमाल का है। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, यानी कि ये आराम से चलता रहेगा और इसके खराब होने की गुंजाइश थोड़ी कम है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फुल क्वालिटी कीबोर्ड जो है मिल जाता है, एंटर की मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस फोन को या तो एंड्रॉयड मोड में चला लें, एंड्रॉयड मोड में आप इसे चला सकते हैं, या फिर इस फोन को आप चला सकते हैं लिनक्स में। तो आप बूट टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि बूट आपने लिनक्स में करना है या फिर आपने एंड्रॉयड में से बूट करना है। अगर आप इसे एंड्रॉयड में बूट करते हैं तो नॉर्मल तरीके से ये एंड्रॉयड का जो इंटरफेस है वो आपका चलाएगा और यहाँ पे सारी एप्लीकेशन जो है आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका एंड्रॉयड इंटरफेस है, जीमेल की एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, मल्टी स्क्रीन में आप इस तरह से एप्लीकेशन को चला सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप पीसी से रिलेटेड टास्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में आप जो है चाहें तो उसको प्रॉपर फुल स्क्रीन में करके जो भी आपने टाइपिंग वगैरह करनी है, कुछ ईमेल का रिप्लाई करना है, तो वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि टच स्क्रीन यूज करना, तो वो भी पॉसिबल है डेफिनेटली। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये डिवाइस आता है। और यहाँ पे अगेन इसकी कॉस्ट तकरीबन जो है $400 के आसपास है आई गेस। और ये इसका बॉक्स है, कुछ इस तरह के बॉक्स में ये आपको मिलेगा। एंड अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं दो तरह का पर्पज़ जो है फुलफिल करती है। ना सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा, बट आपको एक पीसी जैसा एक्सपीरियंस जो है मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं इनको अगर आप चलाएंगे तो ये बेसिकली बिल्कुल एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, और साथ ही साथ इनको आप लिनक्स मोड में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका लोगो दिया गया है जिसकी विंडोज बटन बेसिकली इसका यही है, एंड देन इन बटन को यूज करके यू कैन ऑल्सो टॉगल इन डिफरेंट थिंग्स। तो इन केस आपको कैमरा लॉन्च करना है तो यू कैन बेसिकली प्रेस एंटर एंड कैमरा लॉन्च हो जाएगा इस तरह से, और ऐसे कुछ करके आप जो है फोटो वगैरह ले सकते हैं। इस तरह से इसे बंद कर सकते हैं। डेफिनेटली कैरी करते समय ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अगर मैं इसे नॉर्मल फ़ोन के साइज से कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एक iPhone 10 और ये है यहाँ पे इनका जेमिनी का PDA या फिर समझ लो एक ऐसा डिवाइस जो कि फ़ोन प्लस आपका कंप्यूटर टाइप है। तो इस तरह से डायमेंशन यहाँ पे कंपेयर होता है। तो थोड़ा सा बड़ा है, मोटा भी है, लेकिन अगेन जो फंक्शनैलिटी है यहाँ पे वो कमाल की है। पावर बटन यहाँ पे दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ USB-C पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, लाउड स्पीकर मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन पोल मिल जाता है। और अगर आप देखें इस तरफ तो इस तरफ एक और लाउड स्पीकर है, और यहाँ पे एक और आपको USB-C पोर्ट दिया गया है, हेडफोन जैक भी दिया गया है, और सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिल जाता है। तो देखा जाए तो ये एक बढ़िया डिवाइस है। इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिटेल में दी गई है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशन है। वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा आपको, डिस्प्ले 6 इंच का मिल जाएगा, 18:9 डिस्प्ले है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए इसे ठीक से। ये 18:9 डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं इसी तरह खोलता हूँ, एक हाथ से खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट सी 18:9 डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 GB की रैम मिलेगी, 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, और यहाँ पे जो CPU है आप देख सकते हैं कि MediaTek का है 6797X, एंड इसमें Android और लिनक्स OS दोनों चल जाते हैं डुअल बूट में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिस्टम जो है दिया गया है। स्टीरियो स्पीकर से यहाँ पे 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, OTG सपोर्ट भी है, और साथ ही साथ मैकेनिकल कीबोर्ड होने के साथ साथ बैटरी जो है 4220 mAh की है, 308 ग्राम का वेट है। थोड़ा सा भारी हो गया ये फोन, बट अगेन अगर आप इसे कैरी करना चाहें और इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहें तो आई थिंक आप यूज टू हो जाएंगे इस फोन के वेट का। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दीजिए, अगर आप उस तरह के वीडियो और देखते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे GQ MWC 2018 वाला गिव अवे भी चल रहा है। तो उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, और इसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है, और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जीत पाएंगे या तो अमेजन के वाउचर्स या फिर स्मार्टफोन। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।